नमस्कार सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें देखते हैं T20 न्यूज। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देकर कहा, आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ न्याय की बात। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को बताया मुद्दों को भटकाने की कोशिश, कहा देश अब मुद्दों पर वोट करेगा, पहले फेज की वोटिंग के बाद आई हताशा। पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी ने भी साधा निशाना, कहा 2002 से मोदी की एक ही गारंटी रही है, मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटो। पीएम मोदी की आज अलीगढ़ में रैली, दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के कांकेर में करेंगे प्रचार। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के प्रचार में जुटेगी रामायण सीरियल की टीम। दोपहर 3 बजे दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी करेंगे रोड शो। तीसरे फेज के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज 7 मई को होगा तीसरे फेज के लिए मतदान। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुश्किलें बढ़ी, काल्पनिक तीर के चलाने के मामले में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। जेल में केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर आज आएगा फैसला। केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से हर दिन सलाह की इजाजत, आज राउस रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल की जमानत के लिए दाखिल जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में खतरे की आशंका को देखते हुए जमानत की मांग की गई। कर्नाटक के हुबली में मृतक नेहा के परिवार वालों से मिले जेपी नड्डा, परिवार के साथ की CBI जांच कराने की मांग। हत्या के विरोध में मुस्लिम संगठन ने किया है बंद का ऐलान। चिदम्बरम ने कहा सरकार बनने पर रद्द करेंगे CAA, बीजेपी हुई हमलावर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले पूरे देश में लागू हो UCC। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, घंटों की मेहनत के बाद भी नहीं पाया जा सका पूरी तरह से काबू। आज लैंडफिल का दौरा करेंगे बीजेपी नेता। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू के परिवार पर घोटाले का आरोप, घेरे में राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई करीबी। आज दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार, पीएम मोदी समेत मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। इसराइल से तनाव के बीच आज से 3 दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के कई ठिकानों पर किए थे हमले। दक्षिण बंगाल में लू का कहर जारी, रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा तापमान। पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, हुगली में मौसम विभाग का अलर्ट। आज सियाचिन का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, बॉर्डर पर तैनात जवानों से करेंगे मुलाकात। सिलगुड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा POK हमारा था और हमारा ही रहेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, कहा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकार कर रही है विचार।